व्हाट्सअप गाइज आ चुके हैं और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस से एंड न्यूडिकाइज आज की वाली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग दो मिथिक्स बिल्कुल फ्री में कैसे ले सकते हो एंड देन उसी के साथ साथ भाई साहब एक होवर बोर्ड भी हमें देखने को मिलता है तो जैसे कि पिछले सीजन की बात करें अगर हम लोग तो अभी के अभी जो पिछला सीजन गया है सी टू का उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिला था कि यार हमारे पास जो है वो एक मिथिक बिल्कुल फ्री में कैसे मिलता है एंड देन उसी के साथ साथ जो है वो एक मिथिक का हेड गियर और एक मिथिक सूट जो है हमें फ्री का मिला था तो आज की वाली वीडियो में हम लोग भी यही बात करेंगे कि यार आज के

आ रहा था रुको मैं दिखा देता हूं एक दफा और ये है अच्छा जी ये दो, दोनों साथ जो है वो शो नहीं हो रहे हैं खैर अभी छोड़ो ए, ये तो हमारे पास सूट जो कि हमारे पास टीयर रिवॉर्ड के अंदर देखने को मिला था मिलेगा ठीक है अभी हम लोग को कुछ अगर हम लोग जो है वो एस वगैरह एस मास्टर वगैरह कर लेते हैं तो एस मास्टर कर लेते हैं तो पूरा का पूरा सूट ये वाला हमें फ्री का मिल जाएगा लेकिन ए, मिथिक की बात करें तो यहाँ पे साइकिल सी थ्री पे क्लिक कर देना है एंड देन साइकिल रिवॉर्ड्स पे जाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहां पर दिख रहा होगा एक मिथिक का हेड गियर ठीक है तो ये वाला जो मिथिक हेड गियर है ये हमें मिलेगा अगर हम लोग जो है अपना डायमंड फाइव जो कर लेते हैं कितना तीन सीजन तक अगर डायमंड फाइव कर लेते हैं ना तो हमारे पास ये देखने को मिल जाएगा एक मिथिक हेड गियर फ्री ठीक है उसके बाद अगला लगाते हैं तो यहां पे हमें देखने को मिलता है एक मिथिक सूट जो कि काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है एंड देन अगर आप लोग ये देखो तो सौ रुपये वाला सूट बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही है मुझे और ये होने जा रहा है भाई साहब मिथिक दो मिथिक बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं हमें अगर हम लोग क्राउन कर लेते हैं तीनों सीजन लगातार और अगर हम लोग बात करते हैं अपने एस रिवॉर्ड की अगर हम लोग तीन सीजन तक एस कर लेते हैं ना तो ये सबसे ज्यादा मुझे पसंदीदा आने वाला भाई साहब होवर बोर्ड है जो कि हमें देखने को मिलता है भाई साहब ये देखो जस्ट आप ये काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है मुझे एंड देन ये पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि यार आप लोगों को कैसा लगा है ये वाला होवर बोर्ड ठीक है तो अब चलते हैं अपने हम लोग जो है वो आर टाइटल की तरफ ठीक है तो एक हमारे पास टाइटल आ रखा है जिसका क्या नाम है भाई साहब कलेक्टर वाला ठीक है तो कलेक्टर वाला टाइटल है वो आप लोग ईजिली कैसे ले सकते हो वो हमें आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे सीजन पे जाना है एंड देन पर जाने के बाद आप लोग अगर मोड खेलते हो ना तो जैसे ही मोड खेलोगे तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ सामान वगैरह मिलेगा एंड इन सामान मिलने के बाद गाइज यहाँ पे साइज साइकिल पे आओगे ना एंड साइकिल मेमोरीज पे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ठीक है अब आप लोग यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या आ रहा है स्क्रैप चाम ठीक है तो इसके अंदर करना क्या है यहाँ पे ना आ, सही है अच्छा इसके अंदर आप लोगों को ये वाले जो कीड़े होते हैं ना इनको ना मतलब उठाना है मतलब इसको पिकअप करना है ठीक है इससे होता क्या है इससे जो है ना हमारे पास अपना जो बंदा है वो खुद ब खुद रिकॉल हो जाता है मतलब हम लोग खुद ब खुद रिकॉल हो जाएंगे ठीक है उसके बाद सेकंड ये आता है हमारे पास जो कि हमारे पास घरों के अंदर कोने कोने पर लगा हुआ होता है जैसे आप इसके थोड़ा सा करीब जाओगे तो इसके अंदर मार्ग जो है हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर ही बना हुआ आ जाएगा तो ईजिली इसको जो है आप लोग इसको कम्पलीट कर सकते हो यहाँ से ठीक है ये सारे के सारे मैंने कम्प्लीट किए हैं एंड यहां पर ये वाली डेजर्ट मशीन देखो तो परचेज एनी आइटम फ्रॉम डेजर्ट मर्चेंट इन एशियन अच्छा आप जैसे ही वो वाला मोड लगाओगे ना अपना Uh, अपना uh, एरंगल वाला मोड लगाओगे मोड वाला uh, जो है वो हम लोग लगाएंगे ना एंशियंट सीक्रेट वाला तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगी एक अदद शॉप जिसके अंदर भाई साहब डिस्काउंटेड आइटम्स होते हैं और ये आप इजीली ले सकते हो मतलब कहीं भी ये बीच बीच में ना स्पॉन हो जाती है मतलब ये वाली बिल्डिंग ये वाली जो शॉप है ठीक है आप लोगों को ये वाली जो है ना पोचिकी के रास्ते के ऊपर जो है वो मतलब पोचिकी से थोड़ा सा आगे आते हैं गटका के बीच की तरफ यहां पे आप लोगों को एक अदद शॉप मिल जाएगी तो यहां से आप लोग इजीली बाय कर सकते हो और ये वाला मिशन कंप्लीट कर सकते हो अब अगर आप लोग यहाँ की बात करो तो यहाँ पे एक आया हुआ है भाई साहब रीज दी स्क्रैप रूइ इन दी एशिया सीक्रेट अच्छा जी ये वाला जो रूल्स है ना जैसे कि हमारे पास एक मोड होता है उसके अंदर हमारे पास दो अलग अलग टेम्पल दिए हुए होते हैं तो दो अलग अलग टेम्पल पे दोनों पे उतर जाना है आप लोगों का ये वाला भी मिशन हो जाएगा एंड देन ये वाला भी मिशन हो जाएगा इजिली ठीक है तो एक ये वाला एक इस पे उतरना है एंड देन ये देख सकते हो ये बना हुआ होगा इसके मुंह पे एंड देन ये वाले पे उतरना है एंड देन इसके बाद एक इस टाइप के ऊपर जो है वो हमें उतर जाना है ठीक है लास्ट तीन मिशन रहते हैं यहां पर अगर आप लोग देखो तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर एंशियट सीक्रेट पे उतरोगे ना तो आप लोगों को दो तीन मम्मी दिखेंगे ठीक है इस तरह के वॉरियर जो हैं ठीक है थीके? इनको आप लोगों ने मार देना है ठीक है जैसे ही आप इनको मारोगे ना आप लोगों का ये वाला मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही सेम टू सेम एक परिंदा यहां पर ओरड़ा होता है जिसको कि आप लोगों ने इजीली मार देना है इसका नाम है गार्डियन बीच ठीक है तो ये जो ओरड़ा होगा ना इसको आप लोगों ने इजिली मार देना है एंड देन फिर आप लोगों का जो है वो ये वाला भी मिशन हो जाएगा इजिली कंप्लीट अब बात करते हैं यहां पे इम्पेरल टेम्पल की ठीक है तो यहां पे हमारे पास देखने को मिला है रीच द इम्पेरल टेम्पल ठीक है तो जैसी आपका फेरो जो है ना मतलब जैसे ही फेरो वो जो चल के आएगा अपने स्पॉट के ऊपर और फिर वो जो एक्टिवेट हो जाएगी ना मशीन ऊपर जाओगे फिर आप जैसे ही ऊपर जाओगे तो ये वाला मिशन आपके पास कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ये थे आसान से मिशन अगर आप लोगों को, को इनकी प्रॉपर वीडियो चाहिए कि कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं और कहाँ ये मतलब ये कैसे कंप्लीट करना है ये ऑल डेट मतलब ठीक है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ मुझे मैं आप लोगों को इसे बिल्कुल जो है वीडियो बना के दिखा दूंगा तो गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही होप्स सो आप सभी को अच्छे लगे कि आज की वाली वीडियो अगर तो अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब कर देना और चैनल को जरूर से ना बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए बाय-बाय